नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां पुलिस ने दो गांजा तस्करों को एक कुंतल से अधिक मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए गांजा की कीमत 8 लाख रुपए से अधिक बताई गई। पूरा मामला मड़ियाह कोतवाली क्षेत्र के का बताया जा रहा है। पुलिस ने एक होंडा सिटी कार और घर में रखे हुए गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। आप देख रहे हैं जौनपुर से सुशील तिवारी की रिपोर्ट। 1:30 बजे मुखबिर की सूचना पर मैं सीओ अवधेश कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिवेणी लाल सेन मैं फोर्स के पर ग्राम परसतपुर में नाजायज गांजा जिस जो लगभग 1 क्विंटल के से ऊपर है बरामद किया गया और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त सतीश मिश्र सना भूपेंद्र कुमार आर ओ सवरपुर दूसरे हैं आलोक तिवारी और भोले स्वर्गीय सनाब स्वर्गीय राकेश तिवारी आर ओ परसतपुर मड़ियाहों को गिरफ्तार किया गया। गांजा की कीमत कितनी बताई जा रही है? गांजा की कीमत 8 लाख से ऊपर बताई जा रही है और संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कुछ और लोग सम्मिलित हैं? हाँ, इसमें 2 लोग और सम्मिलित हैं, 3 लोग कुल मिला के 4 लोग 4-5 लोग इसमें सम्मिलित हैं। जांच की जा रही है, जो जांच की जा रही है, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है उन्हें हम दबिश देकर गिरफ्तार कर लेंगे बहुत जल्दी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।